अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको आसान तरीके से जो है वो डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। इससे जो है वो आप आसानी से लगा सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने नेक जो है इसकी तैयार करके, जो आपने साइड वाली ये देखें कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाइयाँ जो है ये आपने इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें जी, एक साइड मैंने लगा दी है इसकी, दूसरी साइड मैं आपको लगा के दिखाऊँगी। ये देखें जी, सिलाई जो है हमारी यहाँ तक बंद हो रही है, ठीक है। और एक इंच जो है वो ऊपर रख के, तो इसको मैंने कट्स लगा के यहाँ से शुरू करनी है पाइपिंग, ठीक है। अब ये जो इसकी दूसरी साइड है ये देखें इस तरह, ठीक है जी। इससे जो है वो आपके कोने जो है पाइपिंग के वो परफेक्ट बनेंगे। ये देखें जी, ये है डोरी पाइपिंग हमारे पास। आपने ये वाली साइड जो है ये अंदर रखनी है इसके, ये देखें। और ये जो प्लेन इसकी साइड है ना, ये आपने ऊपर रखनी है इस तरह से। अब ये जो एक इंच का हमने निशान इसके ऊपर लगाया हुआ है, ये देखिए कट जो लगा हुआ है इसके ऊपर, यहीं से हमने जो है वो इसको शुरू कर देना है। आप सिंगल बैच से लगा सकती हैं, सिंगल से लगा लें, नहीं तो आप इस तरह से अगर डबल पे लगा सकती हैं आप उस पे लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल पैर यूज़ करूँगी। अच्छा जी, इसकी जो है मैंने साइड वाली जो है वो मैंने हाफ इंच रखा हुआ है। कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा नहीं इसमें रखा, क्योंकि ये जो है पाइपिंग इसको मैंने लगानी थी। अगर आपके पास ज़्यादा है साइड वाला कपड़ा तो आपने इस तरह से घेर के जो है वो निशान लगा के, तो ये देखें इस तरह से मैंने हाफ इंच रखा हुआ था, तो ये देखें हाफ इंच पे जो है वो मैंने इस तरह से ये कट लगाए हैं एक एक, ठीक है जी। आप इसको प्रेस करके तो आप इस तरह इसके निशान भी डाल सकती हैं, इस तरह से आप पकड़ के इस तरह से ऊपर तक जो है वो आप ले जाएं, तो आप इस तरह से इस पर प्रेस लगा के आप निशान भी लगा सकती हैं। लेकिन मैंने आधा इंच रखा हुआ है इसमें, तो मैं उसी जो है वो अंदाजे से लगा लूँगी। ये देखें, अच्छा जी, ये देखिए कट जो हमारा है वो निशान के बराबर जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा सिलाई को नीचे तक ले गया है। ये देखें जी, सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये वाली जो है इसको देखें इस तरह से मैं टर्न इस तरह कर दूँ कि अंदर वाली साइड, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह हमने पाइपिंग लगा दी है। अब इस तरह जो है इसको मैंने अंदर इस तरह से मोड़ देना है। आपने जो है वो मैंने घेर जो है नीचे से भी मैंने हाफ इंच छोड़ा हुआ है, तो अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन है तो आप इस तरह से पहले निशान लगा लें या प्रेस जो है लगा के, तो ये देखें आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लें। लेकिन मैं अंदाजे से लगाऊँगी, ये देखें इस तरह से मैंने इसको टर्न किया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से जो है सिलाई इसकी दोबारा शुरू कर देनी है। सारी जो है ये इसी तरह लगेगी। अब दूसरा जो इसका कोना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि उसको किस तरह से हमने करना है फोल्ड। ये देखें जी, दूसरी साइड भी जो है वो हमने इसी तरह जो है सिलाई यहाँ तक ले के आनी है। जिस तरह वहाँ से हमने लगाई थी उसी तरह जो है इस तरफ से भी हमने सिलाई यहाँ पर ले के आनी है सीधी। अच्छा, ये देखें जी, सिलाई लग गई है। अब जिस तरह हमने उस साइड से इसको फोल्ड किया था, इसी तरह हम यहाँ से भी जो है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हाफ इंच था उसको मैंने हाफ इंच के बराबर जो है इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। सेम तरीके से जो है वो इस तरफ से भी हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह जो है सीधी सिलाई हमने ऊपर तक ले जानी है।
आपके पास फैंसी पाइपिंग है या कोई भी है तो आपने इसी तरीके से जो है उसको भी लगाना। ये देखें जी, ये इसका निशान आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो निशान के बराबर करके हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है, जितना हमारा निशान है उसके बराबर ये देखें हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये देखें, ठीक है जी, सिलाई इसकी पूरी हो गई है। अब मैं इसको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। मैं आयरन करके तो आपको मैं ये दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें इसको मैंने सिलाई लगा के, तो ये देखें इस तरह से एक साइड से इसको पकड़ना है आपने, और ये जो कोना हमने बनाया था इसका, ये देखें इस तरह से हम करेंगे, तो ये देखें हमारा जो कोना है वो परफेक्ट इसका बन चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो हमने इस तरह से आयरन इसको कर लेना है। ये इसका घेर है, इस तरफ से भी हमने इसी तरह जो है वो प्रेस लगा लेनी है। ठीक है जी, अब ये देखें जो दूसरी साइड है, धागे आपने अच्छी तरह से कट कर लेने हैं इसके, ये देखें ये, ठीक है जी। इसके कोने जो है वो परफेक्ट इसके जो है वो निकल आए हैं। आपने इसी तरीके से जो है वो सारी लगानी है। आपके पास फैंसी है या कोई भी है, आपके पास सिंपल है, आपने इसी तरीके से इसी तरीके को आप यूज़ करके तो डोरी पाइपिंग हो या फैंसी हो आप लगा सकती हैं। हाँ जी, ये देखिए पाइपिंग जो है वो हमारी लग के तैयार हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। ये देखें इसको मैंने सिलाई करके तो अच्छी तरह इसको जो है वो मैंने प्रेस कर लिया। ये देखें इसके कोने जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके तैयार हुए हैं। ये देखें, ये ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन को ज़रूर आपने प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें अगर आपको कुछ और देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये देखें जी, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।